देखिए देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें। राष्ट्रीय राजधानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में गुजरते दिन के साथ शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अगले चार दिनों तक राहत के आसार नहीं है। दिल्ली में मौसम बेहद सर्द बना हुआ है। आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को कई क्षेत्रों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को पर्यटन विभाग की प्रसाद परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले का दौरा करेंगी। इस दौरान वो जिले के श्रीशैल मंदिर में भी जाएंगी। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। टीवी सीरियल अलीबाबा की अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने टीवी सेट पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उनके को स्टार शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने बड़ा दावा किया। उन्होंने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत लव जिहाद का मामला है और राज्य पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री करीब 300 बाल कीर्तनियों की ओर से प्रस्तुत शब्द कीर्तन में भी शामिल होंगे। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 व्यापक स्तर पर अपना असर दिखा रहा है। इसके चलते चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारतवासी भी चिंतित हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रमुख ने दावा किया कि भारत में कोरोना वायरस के BF.7 वेरिएंट का ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा, जितना कि वर्तमान में चीन में दिख रहा है, क्योंकि भारतीयों में पहले ही हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। केंद्र सरकार ने यूरिया के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए गैस खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इससे यूरिया बनाने में उपयोग होने वाली गैस सस्ते में खरीदी जा सकेगी। कम लागत में यूरिया का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। उर्वरक मंत्रालय ने नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर पूरे माह के लिए गैस खरीद की पूर्व निर्धारित व्यवस्था में बदलाव कर 3,228 करोड़ रुपए बचाए हैं। चीन में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड संक्रमित हो रहे हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 90 दिन में चीन में करीब 90 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आएंगे और 10 लाख के करीब जान गंवा सकते हैं। वहीं रविवार को चीन के राष्ट्रपति स्वास्थ्य आयोग के नए फरमान के मुताबिक अब चीन में कहीं भी कोविड संक्रमण का हिसाब भी नहीं रखा जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके भाषणों ने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। देश के पहले प्रधानमंत्री दिवंगत जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए स्टालिन ने कहा कि देश को धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनके और महात्मा गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। मालदीव की एक अदालत ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल की सजा सुनाई। यामीन को भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामलों में दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपों में दोषी पाते हुए यामीन को $5 मिलियन का जुर्माना लगाया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को सतर्क किया है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने रविवार को हमले की आशंका का हवाला देते हुए अपने सरकारी कर्मचारियों को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जाने पर रोक लगा दी। आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान की राजधानी को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 10 अन्य घायल हो गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।